खबर है शहडोल से। शहडोल प्रेम मोहब्बत की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रेमिका ने प्रेमी के सामने एक हाथ में सिंदूर तो दूसरे हाथ में सल्फा जहर रखकर उसके जिंदगी का फैसला करने का दिया ऑप्शन। प्रेमी ने प्रेमिका से शादी करने का किया था वादा। प्रेमिका युवती ने प्रेमी मोहम्मद दानिश के सामने शादी करने व शादी से इनकार करने पर जहर खाकर खुद को मौत दे दी। ऑप्शन प्रेमी के शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने खाया सल्फा जहर। प्रेमिका की प्रेमी के सामने तड़प तड़प कर मौत हो गई। प्रेमिका को वहीं छोड़कर प्रेमी फरार हो गया। प्रेमिका की मौत के बाद बुढ़ार पुलिस ने प्रेमी मोहम्मद दानिश के खिलाफ धारा 306 के तहत किया मामला दर्ज। फरार आरोपी दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुढ़ार थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे की घटना। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शहडोल से संवाददाता ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। अभी दिनांक 13 मार्च को एक युवती की शव जो है सीएससी बुढ़ार में लाया गया था, जिस तत्काल जो है थाना बुढ़ार को सूचना दी गई। तत्काल जो है थाना बुढ़ार द्वारा उक्त मामले को मर कायम कर जांच में लिया गया। दौरान जांच पाया गया कि आरोपी दानिश के द्वारा उक्त युवती के साथ जो है प्रेम संबंध बनाया गया और उसको शादी करने का झांसा दिया गया। जब युवती के द्वारा आरोपी से शादी करने कहा गया तो आरोपी ने तत्काल शादी करने से इनकार कर दिया। तब युवती के द्वारा जो है मौके पर ही सल्फास जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई, जिस पर संपूर्ण जांच से आरोपी जो है धारा 306 IPC के तहत अपराध पाए जाने से कायम किया गया है। आरोपी गिरफ्तारी की जा चुकी है।